क्या हो गए देखते देखते। वादा करते हैं कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, लेकिन अपनी ही पार्टी के लोगों का किस तरह विरोध हो रहा है उससे भी नजरें चुरा ली जा रही हैं। लेकिन क्या हो कि बीजेपी को उनके वादे याद दिलाने के लिए लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ जाए। सड़कों पर उतरकर मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी होने लगे, मोदी डाउन डाउन के नारे बुलंद किए जाएं और मोदी जी की तस्वीर के आगे हाथ जोड़कर सर को झुकाया जाए कि प्लीज मोदी जी कुछ तो राहत दे दीजिए, इतनी महंगाई में हम कैसे अपने परिवार का गुजारा करेंगे। बढ़ती महंगाई हो, बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम हो या फिर बेरोजगारी की मार हो, सभी मुद्दों पर वक्त वक्त पर केंद्र सरकार को आईना जनता की तरफ से और विपक्षी पार्टियों की तरफ से दिखाया जाता है। लेकिन सबसे सटीक जो उदाहरण है विरोध करने का, वो तेलंगाना के मुनुगोडे से नजर आ रहा है। टीआरएस छोड़कर बीजेपी में गए नेताजी का विरोध के साथ स्वागत किया जाता है मुनुगोडे में। गांव में घुसने नहीं दिया जाता है, मुनुगोडे में, और सिलेंडर लेकर उनका विरोध किया जाता है, यह भी होता है मुनुगोडे में। आलम तो यह है कि बीजेपी के नेता तेलंगाना में बीजेपी की जो रैली है जिसको संबोधित करते हैं उसमें लोग ही नहीं आते हैं, अकेले खड़े होकर सड़क पर भाषण देते हुए नजर आते हैं, वो भी सिर्फ दो कैमरामैन के साथ में। वीडियो शूट हो जाता है और रोड शो हो गया खत्म। लेकिन अभी हाल ही में एक प्रदर्शन हुआ था मुनुगोडे में, जहां पर साक्षात दंडवत करते हुए युवा नजर आए थे। और जो अभी हम आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं, इस वीडियो को भी उसी घटना से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि ये उसी से मैच खाता हुआ वीडियो नजर आ रहा है, क्योंकि अभी जब प्रदर्शन हुआ था उसमें जो लोगों ने इकट्ठा होकर मोटरसाइकिल को पैदल चलाकर विरोध किया था केंद्र सरकार का, मोदी जी के सामने हाथ जोड़े थे, मोदी जी के फोटो के सामने लेट गए थे हाथ जोड़कर कि मोदी जी आप हम लोगों के बारे में कब सोचेंगे, कब आप जो है पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती करेंगे, कब आप हम लोगों को राहत देंगे। क्योंकि जिस तरह से आसमान पर कीमतें पहुंच गई हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन फिर भी और ज्यादा पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं उनमें इजाफा होता जा रहा है, उसको लेकर प्रदर्शन किया गया था। पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर हम आपको एक एक करके बताते हैं कि मुनुगोडे में किस तरह से जनता पूरी तरह परिवर्तन के मूड में नजर आ रही है। वीडियो देखिए। पेट्रोल बंक को दाना मेटू, पेट्रोल बंक को दाना मेटू, पेट्रोल बंक को दाना मेटू, हरी। अब आपको बताते हैं कि इस वीडियो को किसकी तरफ से शेयर किया गया है और शेयर करते हुए क्या लिखा गया है। दिनेश चौधरी नाम के एक ट्विटर यूजर हैं, इन्होंने इस पूरे वीडियो को शेयर किया है। वीडियो में मोदी जी की फोटो लगी हुई है और उसमें गैस सिलेंडर, बेरोजगारी सबको दिखाया गया है, हाथों में लोगों के तख्तियां हैं, बैनर है, सब पैदल अपनी मोटरसाइकिल को ले जाते हुए नजर आएंगे साफ तौर पर, और जो नारेबाजी है वो होती हुई नजर आ रही है। उसमें साफ तौर पर मोदी सरकार के खिलाफ ही नारेबाजी हो रही है और मोदी जी को जो है लोगों की समस्याओं को जानने के लिए और उनको समझने के लिए कहा जा रहा है। अब ये जो दिनेश चौधरी हैं, इनकी तरफ से वीडियो को शेयर करते हुए क्या लिखा गया है वो आपको बताते हैं। हालांकि तेलुगु में है, हिंदी में हम आपको बता रहे हैं। लिखा है, क्या आपने पहले युवाओं की दीवार सुनी है? अगर नहीं सुनी है तो ये वीडियो देखिए। ये युवाओं की वो दीवार है जिसको मोदी सरकार ने अपने वादों से खिलाफत करते हुए खड़ा किया है। वो आपको और मोदी को बहुत स्पष्ट संदेश दे रहे हैं। इन्होंने लिखा है, उनका कहना है कि अगर आप अपनी जेब में पेट्रोल भरते हैं तो हम वोट देकर आपका भविष्य ईवीएम के डिब्बे में डाल देंगे। इन्होंने कहा है कि अगर आप हमारी जेब में पेट्रोल डालेंगे तो हम आपका जो ईवीएम में डिब्बा है उसमें आपका भविष्य बंद कर देंगे, यानी आपको वोट देंगे, लेकिन जब तक आप हमारी समस्याओं पर बात नहीं करेंगे तब तक ऐसा ही विरोध प्रदर्शन होता रहेगा। ये इनकी तरफ से वीडियो शेयर करते हुए लिखा गया था। और एक वीडियो है, इस वीडियो को आपको बता दें, नोमुला बगात कुमार की तरफ से शेयर किया गया है। हालांकि इनका ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, और इन्होंने क्या लिखा है वो आपको बताते हैं। लिखा गया है, मुनुगोडे आने के लिए एक कदम पीछे हटे भाजपा अध्यक्ष नड्डा से लोगों के सवाल, क्या जवाब देगी बीजेपी?
और एक और वीडियो शेयर किया गया है, इसमें हाथों में कुछ पोस्टर्स वगैरह लेते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उसमें तेलुगु भाषा में ही लिखा हुआ है, इसलिए उसकी मीनिंग एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रही है। लेकिन जो दूसरा वीडियो है उसमें भी उसी वीडियो को कोट करते हुए लिखा गया है नरसिम्हा बीआरएस की तरफ से, और क्या लिखा है, मुनुगोडे आने के लिए कदम पीछे हटने वाले भाजपा अध्यक्ष नड्डा से लोगों के सवाल है, क्या बीजेपी इन सवालों के जवाब देगी। इसके बाद आपको बता दें जो अभी पिछला हुआ था, प्रदर्शन हुआ था, पूरा विरोध किया गया था, पेट्रोल पंप पर जाकर एक दो नहीं सैकड़ों लोगों ने एक साथ मिलकर अपनी गाड़ियों से पैदल चलकर और पेट्रोल पंप पर जो है साक्षात गाड़ियों को लिटाकर उनके सामने दंडवत करते हुए नजर आए थे, जिसका वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था। और वीडियो को आपको बता दें सोशल मीडिया पर कई लोगों ने शेयर किया था और बताया था कि देखिए मोदी जी कितना ज्यादा बोलते रहते हैं और असली जो हकीकत है वो उनकी ये है। वाईएसआर की तरफ से इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा गया था, यूथ प्रोटेस्ट इन एन इनोवेटिव अर्जिंग टू रिड्यूस प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। यूथ की तरफ से ये प्रोटेस्ट किया गया क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दामों को रिड्यूस करने के लिए, और कृपया करके मोदी जी ये वीडियो जरूर देखें, इस तरह से वाईएसआर की तरफ से ट्वीट किया गया था। एक और वीडियो जो है वो शेयर किया गया था और इसमें भी मोदी जी के खिलाफ पोस्टर जो है, बैनर है, तख्तियां हैं, सब लेते हुए लोग नजर आए थे और सड़कों पर निकल कर मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था। कृष्णन केटीआरएस की तरफ से इस पूरे वीडियो को शेयर किया गया था और शेयर करते हुए क्या लिखा गया था वो आपकी स्क्रीन पर लिखा गया था, पेट्रोल की कीमत जो 2014 में 65 रुपए थी, मोदी के शासन में दोगुनी हो गई है। वाहनों को धक्का देकर पेट्रोल पंप पर लाठियां लगाने वाले चंदूर युवक ने कहा है कि ये अगले दिन है, मुनुगोडे इन्होंने कहा है। और काफी ज्यादा जो विरोध हुआ था कृष्ण के टीआरएस की तरफ से, जो हर चीज की जानकारी देते रहते हैं तेलंगाना से जुड़ी हुई, उसमें एक वीडियो ये भी था कि जो मुनुगोडे में उपचुनाव होने वाले हैं उसको लेकर जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है वो बीजेपी जो है गठबंधन के साथ करती है। तो यही कृष्ण के टीआरएस की तरफ से लिखा गया था कि गठबंधन में प्रचार मुनुगोडे में होता है, क्योंकि गठबंधन की सरकार आपने जरूर सुनी होगी लेकिन गठबंधन का प्रचार बीजेपी करती है, बीजेपी के पास इतने लोग नहीं है कि वो प्रचार अकेले कर सके, इसलिए उन्हें अब गठबंधन में प्रचार प्रसार करना पड़ रहा है। टीआरएस पार्टी की तरफ से भी एक जो है ट्वीट किया गया था ऑफिशियल अकाउंट से, कहा गया था कि केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा हथकरघा पर लगाए गए 5% जीएसटी को तत्काल रद्द करने की मांग करते हुए चौतुप्पल निर्वाचन क्षेत्र के नितन्ना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़े पोस्ट कार्ड लिखकर अपना विरोध व्यक्त किया है। यानी यहाँ पर बात सिर्फ और सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी और पेट्रोल डीजल की नहीं हो रही है, यहाँ पर जो हथकरघा के जो कारीगर हैं, जो बुनकर हैं, वो भी साफ तौर पर नाराजगी केंद्र सरकार के साथ जाहिर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने जो 5% जीएसटी लगाया है उसको आप हटाइए, और इसके लिए बड़ी संख्या में जो पोस्ट कार्ड हैं वो मोदी जी को भेजे गए थे। टीआरएस की तरफ से एक और फोटो वगैरह शेयर करते हुए लिखा गया था, ट्वीट किया गया था, और इसमें क्या लिखा गया था वो आपकी स्क्रीन पर लिखा गया था, हथकरघा क्षेत्र को कमजोर करने के लिए चौटोपल के नेताओं ने केटीआरएस केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा हथकरघा पर लगाए गए 5% जीएसटी को तत्काल रद्द करने की मांग करते हुए निर्वाचन क्षेत्र ने प्रधानमंत्री मोदी को बड़ी संख्या में पोस्ट कार्ड लिखे। इस तरह से इन्होंने ट्वीट किया था, टीआरएस पार्टी की तरफ से ट्वीट किया गया था। पुत्ता विष्णु वर्धन रेड्डी करके ट्विटर यूजर हैं, इन्होंने भी वही जो लेटे हुए हैं लोग पेट्रोल पंप पर और विरोध कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, उसका वीडियो शेयर किया गया था। लिखा था, मुनूर गोडू विधानसभा क्षेत्र के मारीगुडा मंडल के एक पेट्रोल पंप पर युवाओं ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ अभिनव विरोध प्रदर्शन किया, ये ट्वीट किया गया था। एक और ट्वीट है जगन पतिमीदी की तरफ से किया गया था, जिसमें जो गैस सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, एक के बाद एक हाइक पकड़ते जा रहे हैं, उसको लेकर के महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया था। महिलाओं ने गैस सिलेंडर का जो बलून वाला गुब्बारा होता है उसको फुलाया था और डंडे से उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही थी, ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ था। और जगन पति मीदी की तरफ से ट्वीट करते हुए क्या लिखा गया था वो आपकी स्क्रीन पर लिखा गया था, केंद्र द्वारा बढ़ाए गए गैस टैरिफ के खिलाफ एक अभिनव महिला विरोध, और केंद्र सरकार के खिलाफ जिस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा था उसके अलग अलग वीडियो आए दिन सामने आते रहते हैं, और
कई में तो इस तरीके का विरोध प्रदर्शन होता है कि उसका जवाब देने के लिए कोई भी आगे नहीं आता है। YSR की तरफ से ही एक वीडियो और भी शेयर किया गया था जिसमें मोदी जी के पर जो इन्होंने गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए हैं उसको लेकर के कहा गया था। YSR की तरफ से क्या लिखा गया था वो आपके स्क्रीन पर लिखा था, मुनुगोटे की मतदाता मोदी सरकार द्वारा LPG सिलेंडर की अमानवीय वृद्धि के विरोध में भाग लेते हैं। इस मोदी सरकार के पास सभी बुरे ऋणों को माफ करने के लिए इतनी विलासिता है लेकिन आम आदमी के बोझ को कम करने का जोखिम नहीं उठा सकती है। ये इन्होंने लिखा था कि बाकी अनाप शनाप जो टैक्सेस हैं, जो लोग लोन लेते हैं उनका लोन माफ कर दिया जाता है लेकिन जनता की परेशानियों को सुनने के लिए ना तो इनके पास वक्त है और ना ही उनके मुद्दों को सॉल्व करने के लिए इनके पास कोई समाधान है। इनके पास जब बजट नहीं बचता है तब ये हवाला दे देते हैं कि जनता को हमने ये सौगात दी वो सौगात दी इसलिए हमारे पास बजट नहीं बचा है, लेकिन जब अपने दोस्तों अपने मित्रों का माफ करते हैं लोन तब ये सारा का सारा बजट कहाँ चला जाता है। ऐसे सवाल जो है वो ट्वीट के जरिए किए गए। लेकिन जो वीडियो अब काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं प्रदर्शन के, वो सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके से लोगों की तरफ से सवाल करते हुए शेयर किया जा रहे हैं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।